तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दानिश लर्नर पे। मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक हिंदी का अधिगम योजना लेकर आया हूँ, जिसे इंग्लिश में लर्निंग प्लान कहते हैं। तो इसका टॉपिक है मेला, जो कि कक्षा 2 के हिंदी किताब से है। तो इसके लिए सबसे पहले आप ऊपर पे जितना दिया नाम विद्यालय सब लिख दीजिएगा। उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखना है, छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को कठिन शब्दों का उच्चारण सिखाना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे, विशिष्ट उद्देश्य में छात्र छात्रा मेला आयोजन के कारण को जान सकेंगे, छात्र छात्रा मेला में रखे जाने वाली सावधानियों के जान सकेंगे, शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि, अनुकरण विधि और प्रश्नोत्तरी विधि। उसके बाद शिक्षण अधिगम सामग्री लिखेंगे, शिक्षण अधिगम सामग्री में आप बच्चे को जो पढ़ाने के लिए किसी TLM का यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखना है। पूर्व ज्ञान की समझ, बच्चों को मेले के बारे में सामान्य जानकारी है, बच्चे मेले गए हैं। उसके बाद आपको प्रस्तावना प्रश्न लिखना है, तो प्रस्तावना प्रश्न में आपको 3 कॉलम बनाना है, पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्रत्व क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। बच्चों हम कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं, तो छात्र क्रिया में हो जाएगा ईद, होली, दिवाली, दशहरा इत्यादि। जो बच्चे जवाब देंगे वो यहाँ पर लिखना है। इन त्यौहार में से ईद में क्या होता है, ईद की नमाज अदा की जाती है और मिठाई खाई जाती है, ईद की नमाज पढ़ने हम कहाँ जाते हैं, तो ईदगाह, ईद क्यों मनाई जाती है, तो ये बच्चे के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद आप उद्देश्य कथन लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग हिंदी विषय के अंतर्गत मेला पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ तक हो जाने के बाद आप पाठ प्रस्तुतिकरण लिखेंगे, जिसमें आपको 5 कॉलम बनाना है, पहला शिक्षण बिंदु, छात्रात्व क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, श्याम पाठ कार्य। तो यहाँ पे आप सर्वप्रथम शिक्षक वर्ग में प्रश्न मुद्रा में प्रवेश करेंगे, फिर वर्ग व्यवस्था ठीक करने के बाद विषय वस्तु पर आएंगे, छात्र छात्रा शिक्षक को खड़े होकर अभिवादन करेंगे। उसके बाद आप आदर्श वाचन लिखेंगे, छात्रात्व क्रिया उचित आरोह अवरोह गति तथा विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए आदर्श वाचन करेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये हो गया व्याख्यान विधि। उसके बाद स्पष्टीकरण करेंगे, छात्रात्व बच्चों को बताते हैं कि मोनू अपने माँ पापा के साथ मेला देखने गया, जहाँ पर मिठाई खाई, झूला पर झूला, खिलौना खरीदा और खुश हुआ, उसके बाद वो वापस घर आ गए। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि। उसके बाद आप श्याम पट पे लिखेंगे, श्यामा क्या देखने गई थी, शिवपुर का मेला देखने गई थी, आप क्वेश्चन करा देंगे। उसके बाद आपको कठिन शब्दोच्चारण करना है, छात्रात्मक छात्र छात्रा को सर्कस, जादूगर आदि कठिन शब्दों का उच्चारण करवाएंगे, सभी छात्र छात्राएं कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे, ये हो गया अनुकरण विधि। उसके बाद कठिन निवारण, जो कठिन शब्द होगा उसको बच्चे से पढ़वाएंगे। उसके बाद आप इसी पाठ से जो आप पढ़ाएं उसे आपको बच्चे से कुछ बोधात्मक प्रश्न कर देना है, जैसे श्यामा क्या देखने गई थी, तो शिवपुर का मेला देखने गई थी, ये सब हो जाएगा प्रश्नोत्तरी विधि। श्यामा ने मेले में क्या क्या देखा, सर्कस, झूला, जोकर आदि। उसके बाद श्यामा ने मेले में से क्या खरीदी, चाबी वाली जहाज खरीदी। यहाँ तक हो जाने के बाद आप पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे, श्यामा कहाँ गई थी, श्यामा ने मेले में क्या देखा। मूल्यांकन प्रश्न में आप लिखेंगे, मेले में कौन कौन सी दुकानें होती है, मेले में जाते वक्त श्यामा तथा बच्चों ने क्या देखा। गृहकार्य आप उसके बाद दे देंगे, सभी बच्चों को अपने आसपास होने वाले मेले के बारे में लिखकर लाएंगे। तो इस तरह से आपका लर्निंग प्लान यहीं पे ख़त्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और शेयर भी कर दे, जिससे कि आगे और सभी भाई का इसे मदद हो सके।